बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने CTI टीचर्स की नौकरियों के लिए अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोग टीचर्स की नौकरियों का इंतज़ार कर रहे थे तो 2022 के लिए CTI टीचर्स की भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं, जिसमें तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स की नौकरियाँ जो हैं वो शामिल हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट में अपनी डिग्री फाइनलाइज़ की हुई है तो आप लोग उसी हिसाब से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नौकरियों के टाइटल कौन कौन से हैं, अप्लाई करने का मेथड क्या है, इंटरव्यू की लोकेशन क्या है, इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जॉब से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप आसानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और CTI टीचर्स की जो भर्तियां शुरू की जा चुकी हैं उसके लिए अप्लाई करने का प्रॉपर मेथड क्या होगा वो जानने की कोशिश करते हैं और मुकम्मल तरीका जान लेते हैं। तो दोस्तों, जॉब पर अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोग अपना कोई भी ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसके सर्च बार में आप लोग आएंगे और सर्च बार में आकर आप लोगों ने दोस्तों टाइप करना है हमारी वेबसाइट का नाम जॉब रोज़ाना, JOBSROZANA। जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना को टाइप करेंगे अपने सर्च बार में और इसको सर्च करेंगे तो गूगल में सबसे ऊपर जॉब रोज़ाना लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोगों ने जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है जॉब रोज़ाना। तो दोस्तों, ये साइट आपके सामने ओपन हो चुकी है और इस साइट पर आप लोग देख सकते हैं फीमेल टीचर्स जॉब भी हैं, इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। CTI लेक्चरर जॉब 2022 अनाउंस, CTI टीचर जॉब 2022 डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, आप लोग जॉब के इस टाइटल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब के इस टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली मालूमात होंगी इन तमाम मालूमात की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों, जब ये आपके सामने पेज ओपन होगा तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जा चुकी हैं इस पेज के ऊपर, इन इंस्ट्रक्शंस को तो लाजमी आप लोगों ने पढ़ना है। जब तक आप इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं करेंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी जॉब की नौइयत। अब कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले, बायो वाले, मैथ वाले, साइकोलॉजी वाले, फिजिक्स वाले, सोशियोलॉजी वाले, इकोनॉमिक्स वाले, उर्दू वाले अप्लाई कर सकते हैं। विजिटिंग लेक्चरर की जॉब्स हैं जिसको हम लोग CTI भी जानते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। जॉब्स की अनाउंसमेंट डेट 30 जनवरी, अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 फरवरी है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। विजिटिंग लेक्चरर की जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब्स हैं और ये फुल टाइम की जॉब्स हैं। दोस्तों, अब आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे उसका तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जरा आप लोग जल्दी से सुन लीजिएगा। इसका कोई ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेंगे, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने भेज देना है मौजूदा एड्रेस के ऊपर लास्ट डेट से पहले पहले, और जो एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है इसी एड्रेस के ऊपर दोस्तों आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह कॉन्डक्ट जो है वो हो जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरियाँ मौजूद है, अगर आप लोगों की तालीम कम है तो आप लोग सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि परमानेंट बेस पर होगी। तो दोस्तों, यही तरीका तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, अगर आप लोगों को तरीका समझ में आ चुका तो आप लोग कमेंट में डन लिख दीजिएगा, और अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के तमाम सवाल के जवाब दे सकूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी वीडियो को देखकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद एक और अच्छी सी जॉब के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।